मोबाइल के चार्जिंग जैक को सोल्डरिंग आयरन की मदद से कैसे निकाला और कैसे रिप्लेस करें, इस पर काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आ रही थी, तो आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, वरना बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो मैं बीच बीच में टिप्स देता रहता हूँ वो आप मिस ना कर जाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार आपके पास आती रहेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आईटेल का मोबाइल है, आपके पास कोई सा भी हो, सिर्फ जो हमें काम सीखना है वो सोल्डरिंग आयरन से चार्जिंग जैक को निकालना और चेंज करना सीखना है, ये सभी में लागू रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अभी हमने करना क्या है, जितने भी स्क्रू यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब के सब खोल के, ये सारा मोबाइल खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर ये खुल चुका है, अभी हमने करना क्या है, इस सेक्शन में काम करना है। यहाँ पर हमारा चार्जिंग जैक है, तो इसी वाले पत्ते को हमने बाहर निकालना है। सबसे पहले एंटीना की वायर को आपने अलग करना है, जहाँ पर कनेक्टर रहता है, और यहाँ पर इस वाले कनेक्टर को भी आप हटा लीजिए। तो अब यहाँ पर इसको हमने आसानी से बाहर को निकाल लेना है। ऑलरेडी इसमें काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेप वगैरह चिपका के रखा हुआ है। और जैक की बात करें तो वैसे प्रिंट वगैरह तो कुछ टूटा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क हुआ है, लेकिन फिट साइज़ का नहीं लगाया है। तो यहाँ पर देखिए, तो इस अगर फिट साइज़ का नहीं यूज़ करते हैं तो होता क्या है ना, तो चार्जिंग वगैरह करते समय ये हिलता है, और हिलते समय यहाँ पर इसके टांके वगैरह टूट जाते हैं। वैसे अगर प्रॉपरली अच्छी तरीके से फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साइज़ का भी चल जाता है, बस फिटिंग अच्छी तरीके से होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग आयरन से चेंज करेंगे। अब इस जैक को बाहर निकाला कैसे, सबसे पहले वही बताता हूँ। इसको एक पीसीबी स्टैंड में फंसा लेता हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूँ। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसको मैंने पीसीबी स्टैंड में इस तरीके से फिट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है, जो सोल्डरिंग में यूज होता था वही वाला पेस्ट आपने लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको डिसोल्डर विक की ज़रूरत पड़ेगी, इस टाइप का डिसोल्डर विक आता है, जो तांबे की वायर होती है, जिससे आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को डिसोल्डर कर सकते हैं। डिसोल्डर पंप है तो वो भी अच्छी बात है, वैसे डिसोल्डर विक है तो वो भी अच्छी बात है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पर ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनके पास कोई भी मशीन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे आप जैक को निकाल सकें, सिर्फ आयरन की मदद से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, डिसोल्डर विक को जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, जिसके जो इसके पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर रखे आप कुछ देर इसको रखे रहेंगे तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे फ्री हो जाएगा। देखिए, कुछ देर ऐसे रखे रहेंगे तो वो पॉइंट हमारा फ्री हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए, हल्का सा आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्री हो चुका है, वैसे दूसरे पॉइंट पर रखेंगे तो वो पॉइंट भी हमारा फ्री हो जाएगा, और अपना जो है जितना भी मटेरियल उसमें लगा हुआ है, रंगा वगैरह, वो छोड़ने लगेगा। तो इस तरीके से आपने इसको क्लीन करना होगा। तो जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको सभी को आपने ऐसे क्लीन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये फ्री हो चुका है यहाँ पर इस तरीके से, अब ये वाला भी इस तरीके से फ्री हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, इसे आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये फ्री हो चुका है। अब आपने ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है, क्योंकि नीचे के प्रिंट, यहाँ पर जो इसके नीचे प्रिंट रहेंगे वो टूट सकते हैं। तो इसको हम पहले इस तरीके से खोल देते हैं, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जोर नहीं लगाना आपने बिल्कुल भी, क्योंकि ये प्रिंट टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, देखिए, अब मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, तो ये देखिए हमारा जैक फ्री होके निकल चुका है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी प्रिंट यहाँ पर नहीं टूटा है। ऑलरेडी इसमें काम हुआ था, उन्होंने भी प्रिंट नहीं तोड़ा, तो हमने भी इसमें इतनी सावधानी से इसको निकाला कि प्रिंट वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, और जितने भी हमारे होल्स वगैरह इसके जो थे वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको डिसोल्डर विक की मदद से निकाला है। अब आप सारे के सारे प्रिंट एक बार इसको इस तरीके से क्लीन कर लीजिएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और सोल्डर आयरन आपके पास छोटा वाला नहीं भी है तो बड़े वाले से भी आप कर सकते हैं काम। अब यहाँ पर जो मैं जैक यूज़ करूँगा वो बिल्कुल ओरिजिनल वाला करूँगा, और इसी जो इसमें खांचे बने हुए ना, उसी साइज़ का मैं यूज़ करूँगा। देखिए, मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल जैक है जिसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, इसमें चार लेग है, तो यहाँ पर इसी के साइज़ का मैं यहाँ पर लेके रखा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे जैक रहते हैं, मतलब लगभग 20 से 30 मॉडल्स के जैक मेरे पास अवेलेबल हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल फिट साइज़ का है, और इसके जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं बिल्कुल फिट साइज़ पे आ रहे हैं। अब आपको दिखाऊँ एक डेमो के तौर पर, मेरे पास यहाँ पर 20 से 30 लगभग साइज़ के जैक रहते हैं, ये देखिए हर साइज़ के होंगे, तो लगभग इतने सारे जैक मैं रखे रहता हूँ, क्योंकि हमेशा आप ओरिजिनल चीज़ों का यूज़ करें, और जो भी काम करें बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, ताकि बाद में शिकायत आपको
ना सुनने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले हमें जो काम करना है इसमें, इसके जो बेस हैं उनको हमने सबसे पहले बैठा लेना है। चलिए इसको उल्टा करते हैं और इसके बेस के एक पॉइंट में मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से फिट करूँगा। देखिए उल्टे साइड से करना है आपने, आपने इसको उल्टे साइड से सोल्डरिंग करना है। और अगर आप इस तरफ से करते हैं तो यहाँ पर पूरा फैल जाएगा और आपका ये फिर से ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर उल्टे साइड से आप हल्का सा इसमें लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा आप लगा लेंगे। बस देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लगा लेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से इसमें लग जाएगा। देखिए उस तरफ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो, और अपने जो इसमें वो था प्रिंट वगैरह ये बिल्कुल अपने जगह पे बैठे हुए हैं। जितने भी ये इसके पॉइंट्स हैं देखिए अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा जूम करके फोकस करवा के दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए बिल्कुल हर कोई पिन अपने पॉइंट पर बैठी हुई है, बिल्कुल टेढ़ी भी नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा फिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करूँगा, फिर इसके बेस वगैरह लगाऊंगा। क्योंकि ऐसा है ना दोस्तों, पहले आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि चार्जिंग जैक के ख़राब होने के साथ साथ कोई और चीज़ तो ख़राब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और चीज़ चार्जिंग आईसी वगैरह ख़राब होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो इसको पूरा हम चेक करेंगे। चलिए एक बार मैं चलिए सभी के सभी सोल्डरिंग कर ही लेता हूँ, उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो चार्ज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसके फॉल्ट को हम ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें चार्जिंग जैक तो ख़राब था ही, तो इसमें फॉल्ट भी हमने देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से हमने इसको सोल्डरिंग किया हुआ है, बिल्कुल कंपनी वाले तरीके से। तो आपने हमेशा कहाँ से इसको सोल्डरिंग करना है, उल्टे साइड से। तो देखिए इस तरफ ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ चुका है। अब यहाँ पर जो इसके पॉइंट्स हैं इसको भी आप बड़े शोल्डर आयरन से करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो छोटे से कर लीजिए। मैं तो बड़े वाले से करता हूँ क्योंकि मेरा हाथ इसमें सेट है, तो बड़े वाले से इसमें इसको सोल्डरिंग मैं करूँगा। तो सोल्डरिंग करने से पहले इसमें पेस्ट लगाना ज़रूरी है, पेस्ट लगाने से और मजबूती आ जाती है, तो पेस्ट हमेशा लगा के ही काम करें। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है, अब यहाँ पर बड़े वाले शोल्डर आयरन से सोल्डरिंग करते हैं। बिल्कुल आयरन को जस्ट उसके पॉइंट पर रख के आप इस तरीके से इसको लगाएंगे तो अपनी जगह पर लग जाएगा। देखिएगा बहुत ही बारीक तरीके से आपने काम करना होगा, क्योंकि बड़ा शोल्डर आयरन हर किसी के हाथ से नहीं चल पाता। क्योंकि ऐसा है ना, ये बारीक काम करने के लिए आपको छोटे शोल्डर आयरन की जरूरत पड़ सकती है अगर आप नया काम सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर मैंने सभी के सभी पॉइंट्स को शोल्डर कर लिया है। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए बिल्कुल एक बारी में ही मैंने इसको शोल्डरिंग कर लिया है। देख सकते हैं आप, अपनी जगह से कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं हुआ है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप पेस्ट लगाते हैं तो सोल्डरिंग आयरन की जो जितना भी रंगा है इधर उधर नहीं फैलने वाला, अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। बस आपने ध्यान ये देना, पेस्ट लगाना ज़रूर है। और सोल्डरिंग करते समय हाथ बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, एक्यूरेट पॉइंट पर पड़ना चाहिए, तो आपका सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से ये कर लिया है, अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने इसको बोर्ड पर यहाँ पर बैठा के इसका पत्ता लगा लिया है। अब इसमें मैं चार्जिंग कनेक्टर को लगाता हूँ, चलिए सॉरी चार्जर को लगा लिया है। अब यहाँ पर इसकी रीडिंग चेक करेंगे, यहाँ पर बैटरी पे कितनी हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है ये हमने चेक करना है। डीसी 20 पे इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर एक को ग्राउंड कर लेंगे, ग्राउंड आपका ये है, ये है, ये है, बल्कि यहाँ पर भी लगा लें तो ये भी ग्राउंड का ही पोर्शन है। अब इसमें चेक करेंगे, देखिए 3.5 वोल्ट के आसपास हमें मिल रही है, बिल्कुल ये चार्जिंग के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर बैटरी के लिए हमें चार्जिंग के लिए करंट मिल रहा है। एक बार चार्जर को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, चलिए चार्जर को ऑफ़ कर लिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर अब कोई भी वोल्टेज नहीं मिले, बिल्कुल ड्रॉप होती जाएगी, क्योंकि भी जितने भी चार्जर में बची हुई वही यहाँ पर हमें दिख रही है। देखिए अब चार्जर ऑन करता हूँ, अब चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्यूरेट 3.5 वोल्ट मिल रहा है, बिल्कुल चार्जिंग के लिए परफेक्ट वोल्टेज है। मतलब हमारा काम यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। बिना किसी मशीन की मदद से हमने इसके चार्जिंग जैक को रिप्लेस करके बिल्कुल कंपनी वाइज फिट कर लिया है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपका मोबाइल सैमसंग या फिर कोई अदर कंपनी का है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल जो मोबाइल रहते हैं, जो कंपनी के मोबाइल रहते हैं, उसमें चार्जिंग जैक को निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर।